ओके सर, जीएसए बैच वन में जीएसटी बैचवन में अनिवार्य देने। जो तो सीएसएस पीएमएस बैच वन में सीएसएस में तीन। अच्छा ओके जी, जी तो अभी हम जो है वो स्टार्ट करने लगे जीएसए का जो है वो लेक्चर, और आज हमने पढ़ना है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये टॉपिक है और इसके साथ हम ग्लोबल वार्मिंग और उसके इम्पैक्ट्स भी पढ़ेंगे। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये दो एक लेक्चर में जाएगा और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बाद बात ऐसे भी आ जाता है, इसलिए हम इसको जरा डिटेल से डिस्कस करें। ठीक है, अच्छा, ग्रीन हाउस इफेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए ना हमें एक कंसीडर करना पड़ेगा, जैसे आपने कोई प्लांट्स नर्सरीज में आप विजिट किया हो जहाँ पौधे रखे होते हैं, तो वहां पौधों के ऊपर एक ग्रीन कलर का ग्लास लगाया होता है। जहाँ पौधे रखे होते हैं वहां ना उन्होंने ग्लास लगाया होता है, और उस ग्लास की जो है बेसिकली जो ग्लास का पर्पज होता है वो ये होता है कि जो सन रेज आए वो जब जमीन के साथ स्ट्राइक करके वापस आए तो वो जो ग्लास है वो उन्हें क्या करे, ट्रैप करे। उस ट्रैपिंग की वजह से वहां पे हीटिंग आती, हीट ट्रैप होती, और बच्चों उस हीट ट्रैप की वजह से क्या होता है, पौधों की ग्रोथ में इजाफा होता है, क्योंकि पौधों को हीट चाहिए ग्रो करने। तो अब जरा गौर करें, इसी तरह का सेम उस जो हमने वो बनाया होता है ना जगह, उसको ग्रीन हाउस कहते हैं, और इस फिनोमिना को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। इसी तरह का फिनोमिना हमारी एटमॉस्फेयर में भी हो रहा है, हमारी एयर में भी हो रहा है। अच्छा ये देखें जी, एटमॉस्फेयर एयर में कैसे हो रहा है ये जरा गौर कीजिए। ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, अर्थ के इर्द गिर्द हमारे गैसेस का ना एक गलाफ है, एक लेयर है, जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक बाउंड्री। ये मैं बना रहा हूं, गैसेस की ना एक लेयर है, ये है एटमॉस्फेरिक बाउंड्री, दिस इज एटमॉस्फेरिक बाउंड्री। अच्छा बच्चों, इसको मैं एटमॉस्फेरिक बाउंड्री कह सकता हूं क्योंकि इसमें मुख्तलिफ गैसेस, दिस इज बेसिकली ये क्या है, एटमॉस्फेरिक बाउंड्री ऑफ गैसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैस। कार्बन डाइऑक्साइड और जो दूसरी गैसेस हैं उनकी बाउंड्री। अब इसमें यानी ये ऊपर एक लेयर बनी हुई है, ठीक है, अब इसमें ना मुख्तलिफ तरह की गैसेज हैं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी है, यहाँ पे ओजोन भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी हैं, यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, वाटर वेपर्स भी है, वाटर वेपर्स, ये मैंने फॉर्मूला लिखी है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे। अच्छा अब जरा गौर करें बच्चों, ये गैस की ना एक लेयर होता ये है कि सन की सरफेस से मुख्तलिफ तरह की रेडिएशन जो है वो आती है और वो जमीन के साथ स्ट्राइक करती है। ये जरा नोट कीजिएगा, सूरज की ना दो तरह की श्वाएं हैं, शॉर्टर वेवलेंथ और लॉन्गर वेवलेंथ। तो ये पहला स्टेप क्या है कि जो शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशन हैं वो सन से आके जमीन के साथ टकराती है। यहां पर मैं लिख रहा हूं कि शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशंस आर स्ट्राइकिंग
अर्थ, ये क्योंकि जो लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशन है ना वो ऊपर ही ट्रैप हो जाती है, ऊपर डिफरेंट लेयर्स है ना गैसेस की तो ऊपर ही ट्रैप हो जाती है। जो शॉर्टर वेवलेंथ वाली रेडिएशन होती है उनमें एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए वो सारी लेयर्स को क्रॉस करके आके जमीन के साथ हिट करती है। अच्छा अब क्या होगा जब ये हिट करेंगी, तो ये दिस इज स्टेप नंबर वन, तो इनका कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब होगा, यानी यहां पे स्टेप नंबर टू है कि सम ऑफ दीज रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब बाई अर्थ। इनमें से कुछ रेडिएशन जो है वो अर्थ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली, सम ऑफ दीज रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब बाई अर्थ, कुछ आई कुछ एब्जॉर्ब। अच्छा बच्चों जो एब्जॉर्ब नहीं हुई बाकी बच गई वो होंगी रिफ्लेक्ट बैक, यहां से वो होंगी रिफ्लेक्ट बैक। ये जरा गौर करना, ये रिफ्लेक्ट बैक। अच्छा लेकिन यहां बच्चों एक चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है, एब्जॉर्ब हुई थी शॉर्टर लेकिन रिफ्लेक्ट होंगी लॉन्गर, वो क्यों? क्योंकि बेसिकली अर्थ ने रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया है तो उनकी एनर्जी कम हो गई और एनर्जी कम होने से उनकी वेवलेंथ इंक्रीज हो गई, तो यानी जो रिफ्लेक्ट होंगी रेडिएशन वो शॉर्टर नहीं होंगी लॉन्गर होंगी। अच्छा अब यहां पे तीसरा पॉइंट है कि लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशंस आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अर्थ, दिस इज पॉइंट नंबर थ्री। अच्छा बच्चों जब ये रेडिएशन जहां यहां आएंगी तो यहां पे दो पॉसिबिलिटीज है, एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि कुछ रेडिएशन इसको बैरियर को क्रॉस करके यहां से वापस इधर चली जाए एटमॉस्फेयर में, कुछ रेडिएशन वापस चलेगी, जो जा रही थी वो एयर में चलेगी। ये जो चौथा स्टेप ये है कि सम ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस, चौथा स्टेप है सम ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस गो बैक इन एटमॉस्फेयर, इनमें से कुछ रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस वापस चली जाती है, दिस इज स्टेप नंबर फोर। लेकिन बच्चों जो बाकी रह जाती हैं वो तो ट्रैप हो गई है, कुछ वापस चली गई बाकी जो रिफ्लेक्ट हुई थी उनमें से कुछ ट्रैप हो गई, ट्रैप होने की बाद ये फिर दोबारा जमीन की तरफ आ जाती हैं। अब ये इसका मतलब है, ये पांचवा स्टेप है कि रिमेनिंग रेडिएशंस, रिमेनिंग रेडिएशंस आर सेंट बैक टू अर्थ एंड कॉज। अब मुझे ये बताएं ये हीट पैदा करेंगी या ठंडक पैदा करेंगी? हीट पैदा करेंगी, कॉज हीटिंग इफेक्ट, दिस इज पॉइंट नंबर फाइव। एंड दिस स्टेप, ये पॉइंट नंबर फाइव जो है ये असल में ग्रीन हाउस इफेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि हमने यही कहा था ना कि बैरियर होता है बैरियर रेडिएशन को वापस नहीं जाने देता, लेकिन मैंने अभी ये पूरी कहानी आपको डायग्राम की फॉर्म में समझाई कि शॉर्टर रेडिएशंस आई अर्थ के साथ स्ट्राइक हुई, अर्थ ने कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब किया, देन अर्थ ने रिफ्लेक्ट किया लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशंस को, वो लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशन जब रिफ्लेक्ट होकर ऊपर गई कुछ एक एटमॉस्फेयर में चली गई बाकी फिर ट्रैप हो गई, वो ट्रैप होके दोबारा जब अर्थ की तरफ आई तो अर्थ पे हीटिंग इफेक्ट कॉज हुआ और इस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसका मतलब है मैं अगर इसकी डेफिनेशन लिखूं तो इसकी डेफिनेशन होगी द हीटिंग ऑफ अर्थ, द हीटिंग ऑफ अर्थ ड्यू टू
ट्रैपिंग ऑफ रिफ्लेक्टिव रेडिएशंस ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ बाई कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर एटमॉस्फेरिक गैसेस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये देखिए बच्चों, मैंने इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको बता दी कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की डेफिनेशन, कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेना है जिसकी वजह से अर्थ क्या होती है, हीट अप होती है। और किस वजह से होती है भाई, रेडिएशन की ट्रैपिंग की वजह से। और रेडिएशन ट्रैप कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ और गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने पर्टिकुलरली इसलिए बोला है कि अभी आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे स्ट्रॉन्ग गैस या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस, उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। तो ये है इसकी डेफिनेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट। लिख लें फिर आगे चलते हैं, लिख लें। लेकिन वो 100% ट्रैप नहीं हो रही, कुछ एयर में जा रही है बाकी ट्रैप हो रही। अब ये ट्रैपिंग कैसे बढ़ेगी साल के दौर पर, अगर यहाँ पे गैसेस की कंसेंट्रेशन बढ़ती जाए तो फिर ये ट्रैपिंग ज्यादा होना शुरू हो जाए, फिर वापस कम से कम जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा ट्रैप होंगे। लेकिन अभी नेचुरली ये हो रहा है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट में ये होता है कि 100% ट्रैपिंग नहीं होती, कुछ वापस चली जाती है, कुछ ट्रैप हो जाता है। जो ट्रैप हो जाती है वो हीटिंग इफेक्ट कॉज करती है, उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अच्छा, What do you know about green house gases? बच्चों, ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में आप क्या जानते हैं? तो मैं हमें आपको बताने लगा कि ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती है। अगर सिंपल सी बात है, वो गैसेज जो रेडिएशन को ट्रैप करे और अर्थ के ऊपर हीटिंग इफेक्ट कॉज करे, उनको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज। तो लिख लें कि दोज गैसेस विच कैन ट्रैप रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस इन एटमॉस्फेयर, and cause heating effect on earth are called greenhouse gases. Those gases which can trap reflected radiations in atmosphere and cause heating effect on earth are called greenhouse gases. यानी जो भी गैस रेडिएशन को ट्रैप कर सकती है और अर्थ पे हीटिंग इफेक्ट कॉज कर सकती है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस। अब मैं आपको एक लिस्ट दे देता हूं ग्रीन हाउस गैसेस की। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे फिर है मीथेन, तीसरा है जी सरफेस ओजोन। अच्छा बच्चों, सरफेस ओजोन का मतलब है वो ओजोन जो ट्रोपोस्फेयर में,
चौथा है जी क्लोरो क्लोरो कार्बन्स एंड रेफ्रिजरेटिंग केमिकल्स या एजेंट्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अदर रेफ्रिजरेटिंग एजेंट्स। पांचवें नंबर पे है नाइट्रस ऑक्साइड और लास्ट नंबर पे है वाटर वेपर्स। अच्छा बच्चों ये जरा प्लीज नोट कीजिएगा, ये सारे एक तरफ और कार्बन डाइऑक्साइड एक तरफ, जितना टोटल ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है उसका 53% जो है वो दैट इज ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड 47% इज ड्यू टू रिमेनिंग गैसेस। 53% इज ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड 43% इज ड्यू टू अदर गैसेस, 47% सॉरी। सो इसलिए मैंने डेफिनेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को सेपरेटली डिस्कस किया। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन ग्रीन हाउस गैस दैट कैन ट्रैप रेडिएशंस इन एटमॉस्फेयर। और ये बच्चों जो रेडिएशन ट्रैप हो रही होती है ना, एमसीक्यू आ सकता है, इनको हम कहते हैं लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन। ये ज्यादातर कौन सी रेडिएशन ट्रैप हो रही होती है? इंफ्रारेड रेडिएशन, लॉन्गर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन। अच्छा रेफ्रिजरेटिंग एजेंट्स फोर एजेंट्स होते हैं जो एयर कंडीशनर्स में और जो हमारे होते हैं रेफ्रिजरेटर्स उनमें इस्तेमाल होते हैं चीजों को ठंडा करने, उनको हम कहते हैं रेफ्रिजरेटिंग एजेंट्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो उस फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे हैं रेफ्रिजरेटिंग एजेंट्स, रेफ्रिजरेशन कॉज करते हैं। अच्छा बच्चों अब ये तो हो गया ग्रीन हाउस इफेक्ट, अब ये यहाँ पे चीज हमें अंडरस्टैंड करनी है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इटसेल्फ बुरी चीज नहीं है बल्कि वो बड़ी अच्छी चीज है अर्थ के लिए। क्यों? अब लिखे इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये तो हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ लिया और ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में भी जान लिया, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए हम थोड़ी देर के लिए कंसिडर कर लेते हैं कि ये वाला बैरियर है ही नहीं, तो फिर क्या होगा, सारी की सारी रेडिएशन वापस चली जाएगी। अगर ये गैसेस ना हो तो फिर सारी रेस वापस आएंगी, कोई ट्रैवल तो नहीं होगी। इससे फिर क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर बजाय मेंटेन होने के अर्थ ठंडी होना शुरू हो जाएगी, और अगर यही प्रोसेस मिलियन ऑफ ईयर से हो रहा होता तो आज अर्थ का टेम्परेचर इतना कम हो चुका होता कि अर्थ फ्रीज हो चुकी होती। इसका मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट ने अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन किया हुआ है। ये नोट कर रहे ग्रीन हाउस इफेक्ट इज इंपॉर्टेंट to maintain temperature of earth to an optimum level. Greenhouse effect helps in maintaining the temperature of earth to an optimum level. It is important to sustain life on earth. It is important to sustain life on earth. It is important to sustain life on earth. ये जो है जमीन के ऊपर लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत जरूरी है। Without greenhouse effect, और कर लें, without greenhouse effect, earth would become a cold planet. Without greenhouse effect, earth would become a cold planet. Where life would not be possible. Without greenhouse effect, Earth would become a cold planet where life would not be possible. समझ आ गई बात? अब greenhouse effect के बगैर तो Earth ने freeze हो जाना था। इसका मतलब ये है भाई कि greenhouse effect is a friendly phenomenon. अच्छा, इसके अलावा greenhouse effect की और चीज के लिए भी जरूरी है। अगर greenhouse effect ना होता तो पौधे भी grow ना कर सकते, क्योंकि हीट ट्रैप नहीं होनी थी जमीन पे, तो हीट नहीं मिलनी थी पौधों को, तो उन्होंने ग्रो कैसे करना था। तो लिख लें बिसाइड्स दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट इज असेंशियल, बिसाइड्स दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट इज असेंशियल
for the growth of plants. Besides this, greenhouse effect is essential for the growth of plants. ये पौधों की ग्रोथ के लिए भी जरूरी है. लेकिन बच्चों हुआ क्या, अब जरा गौर करना आपने. हुआ ये है कि 1750s में आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था बर्तानिया में, और उसमें क्या हुआ कि पहले छोटी इंडस्ट्रीज होती थी, फिर वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनना शुरू हो गई. टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्टील मिल्स, ठीक है, कपड़े की मिलें, इसके अलावा टेक्सटाइल मिल्स, ये सारी बेसिकली जब हुई तो उसके साथ साथ फिर व्हीकल्स आना शुरू हो गई. तो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गई. अब मैं आपको एक ना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोफाइल बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आप जरा नोट करें. एक तरफ हम ले रहे हैं ईयर्स और एक तरफ ले रहे हैं CO2 इन एयर. यानी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी थी, और इसके लिए हम यूनिट यूज करते हैं PPM, PPM पार्ट्स पर मिलियन, ये कंसेंट्रेशन का यूनिट. जब रेवोल्यूशन नहीं आया था 1650 में, तो उस वक्त एयर में कार्बन डाइऑक्साइड 148 PPM के बराबर थी, और इतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड एयर में होनी चाहिए. ठीक है, 1750 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो फिर 100 साल के बाद क्या हुआ, मजीद 100 साल के बाद 1850 में ये कंसेंट्रेशन 246 PPM एयर में कंसेंट्रेशन बढ़ गई. 1980 में ये कंसेंट्रेशन 342 PPM 2022 में ये कंसेंट्रेशन 418 PPM तक पहुंच गई थी, और 2050 में ये कंसेंट्रेशन 600 PPM को क्रॉस कर जाएगी. व्हाट इज हैपनिंग कि आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन द कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीजिंग रैपिडली इन एयर. इफ वी ड्रॉ अ ग्राफ, अगर बच्चों में ग्राफ ड्रॉ कर लें, एक तरफ हम ले लें कंसेंट्रेशन पीपीएम में, और दूसरी तरफ ले लें ईयर्स, और 1750 से स्टार्ट करें 1850, 1950 और 2050, तो हमें इस तरह से कैसे ग्राफ मिलेगा. ये नाइटिस, ये ग्राफ क्या शो करेगा कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद टाइम आया है, तो ये कंसेंट्रेशन बढ़ती जा रही है. इस तरह का कंसेंट्रेशन अगर ले लो ना 148 और ऊपर 600 PPM, तो 2050 में जाके 600 को टच कर जाए. ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन डे बाय डे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. अब सादा सी बात है बच्चों, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन एयर में इंक्रीज हो रही है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल ठीक है. क्योंकि जब ग्रीन हाउस गैस की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ेगा, और जब ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा, तो बजाय अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन होने के, अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे बढ़ना शुरू हो जाएगा. जब अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज होता है, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. उसको क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, अब आप ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन भी लिख लें कि व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग क्या है, दी डे बाय डे इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू इंक्रीज
in green house effect is called global warming. ये है ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन कि अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है. अगर तो मेंटेन होता तो हम कहते नहीं ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती, लेकिन इनफैक्ट अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है. क्यों इंक्रीज हो रहा है भाई? क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, और जब ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज होगा तो ग्लोबल वार्मिंग आएगी. ठीक है. अच्छा, अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि ना सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बल्कि जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उन सब की कंसेंट्रेशन तकरीबन एयर में बढ़ रही है. देयरफॉर वी आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. आपको पता है कि अर्थ का टेम्परेचर कितना था और कितना हो गया? अर्थ का एवरेज टेम्परेचर था +15, ये था 1750s के अराउंड. नाउ अब कितना है? तकरीबन 16.80 डिग्री, तकरीबन 2 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब बढ़ गया है टेम्परेचर. और बच्चों ये बहुत ज्यादा इंक्रीज है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड को कमरे का टेम्परेचर थोड़ी है, प्लैनेट का टेम्परेचर. अगर किसी प्लैनेट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है तो उसका एटमोसफेयर, उसका प्रेशर, टेम्परेचर पैटर्न, एयर पैटर्न, हर चीज बदल जाती है. यू कैन सी दिस इफेक्ट जिसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं. जब टेम्परेचर इतना बढ़ेगा तो फिर क्लाइमेट में वेरिएशन आएंगे. इसकी डेफिनेशन मैं अलग लिखवाता हूँ. ग्लोबल वार्मिंग अलग चीज है, ग्रीन हाउस इफेक्ट अलग चीज है, क्लाइमेट चेंज अलग चीज. ठीक है, तो ये चीज याद रखें. ये बुनियादी तौर पे जो अब है टेम्परेचर ये है, यानी हमारी अर्थ डे बाई डे इंक्रीज हो रही है. अगर इसको हम ईयरली डिवाइड करें तो तकरीबन 0.008 डिग्री सेंटीग्रेड एनुअली टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. 0.008 डिग्री सेंटीग्रेड एनुअल इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ. क्लियर? ले जी, यहां तक पढ़ लिया. अभी आगे हम पढ़ेंगे. 4-5 मिनट, 2-4 मिनट की ब्रेक है, इसको आप एब्जॉर्व करें. फिर अगली कहानी चलेगी. क्लाइमेट चेंज क्या है और उसके इफेक्ट्स क्या है? ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज है, इसके इफेक्ट्स क्या है? इसकी तस्वीर ले लें और ग्रुप में शेयर करें. पिक्चर ले लीजिए किसी पास. अच्छा है कैमरा, अच्छा कैमरा. अच्छा, टेस्ट आ रहा है साल का? ये तो नहीं आ रहा था. भी दूंगा मैं तो आज पढ़ाना है 3 घंटे, 3 घंटे पढ़ा के सारा दे दूंगा. ये फिक्र हो जाए, छोड़ो ये नहीं है, टेस्ट ना लिया और भी आज मतलब बिल्कुल शामिल नहीं आते. बस पढ़ाना है, एक ही क्लास आ रहा है. अब वाले सर मैं से लोग आज क्लास कर रहे हो, बच्चे तो बेचारे परेशान हो जाएंगे. कल मैंने इतना काम एक कह रहे थे कि मैं आपको अगले हफ्ते 3 क्लासें दूंगा, यहाँ तुझे भी बच्चों को थोड़ा टाइम दे. मैं कहा चलो ठीक है, वरना मैं सर को कह रहा था कि आज क्लास लाजमी ली.
मिटा दो इंटरप्टर। नहीं जो टेस्ट बनाया है क्योंकि लाना सी कुछ नहीं दिया केमिस्ट्री का क्वेश्चन दिया है 20 नंबर का, एक 20 नंबर का जनरल साइंस का दिया है, एक 20 नंबर का पाकिस्तान का। हां जी 5 पर मार्क्स के चार। हां जी एक क्वेश्चन है मेरा 20 नंबर का, चार को आप सर पाकिस्तान का क्वेश्चन एक ही होगा। हां जी एक ही क्वेश्चन दिया हो, एक ही करना पड़ेगा। केमिस्ट्री का भी एक ही है, उसमें एक ही करना है क्योंकि केमिस्ट्री का था। अच्छा जी व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। अब याद रखें बच्चों ये चीज आपको याद रखनी है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जब बढ़ता है ये जब बढ़ेगा इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से आएगा ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो इफेक्ट आएगा दैट इज क्लाइमेट चेंज। सो ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट है क्लाइमेट चेंज, ये पूरा एक पूरा फिनोमिन। अच्छा एक होता है वेदर, एक होता है क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट में भी फर्क है। वेदर कहते हैं मौसम को, और मौसम तो फटाफट बदल जाता है, 10-15 मिनट में बादल और बारिश हो रही है, एकदम से खत्म हो गई धूप निकल आई, धूप निकली है वही बारिश आए बादल आए बारिश शुरू हो गई। यानी वेदर इज अ शॉर्ट टर्म फिनोमिन, ये नोट कर लें, वेदर इज अ शॉर्ट टर्म एट, वेदर मीन्स शॉर्ट टर्म एटमोस्फेरिक कंडीशन दैट कैन चेंज विद इन मिनट्स। Weather means short-term atmospheric conditions that can change within minutes. Weather means short-term atmospheric conditions that can change within minutes. Yani weather se murad short-term atmospheric conditions hain jo ki minutes mein bhi change ho sakti hain. Unko badalne ke liye kuch zyada time nahi chahiye. Theek hai na? To jaise ki ab dekhiye kuch elements of weather hote hain. ये जो मेट्रोलॉजिस्ट प्रिडिक्ट करते हैं कि 10 दिन बारिश होगी या 10 दिन का वेदर कैसा होगा, उसमें वो क्या चीज देखते हैं, वो देखते हैं क्लाउड्स, सनलाइट कितनी रहेगी, क्लाउड्स कितने रहेंगे, सनी रहेगा, एयर का प्रेशर कितना रहेगा, विंड कैसी चलेगी, तो वो प्रिडिक्ट कर रहे हो। यानी इसका मतलब क्लाउड हो गए, विंड हो गए, ठीक है ना, सनलाइट हो गई, ये एलिमेंट्स ऑफ वेदर कहलाते हैं। लेकिन बच्चों क्लाइमेट एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है, याद रखिए क्लाइमेट एक बड़ी टर्म है। अगर आप शॉर्ट टर्म स्टडी कर रहे हो तो वेदर, अगर किसी इलाके के वेदर को कम से कम आप 30 साल तक स्टडी करें और उसका एक एवरेज पैटर्न निकाल लें, तो वो जो एवरेज पैटर्न आपने निकाला है ना कितने साल स्टडी करने के बाद, कम से कम 30 साल, तो उसको हम कहते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट लिखे क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर पैटर्न्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। क्लाइमेट इज अ एवरेज, इज एन एवरेज वेदर पैटर्न्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया स्टडीड इन द पीरियड ऑफ एट लीस्ट स्टडीड पर्टिकुलर एरिया स्टडीड इन द पीरियड ऑफ एन एवरेज। मैंने क्या डेफिनेशन लिखवाई थी, दोबारा रिपीट करें जरा प्लीज। एक बच्चा बताए जी प्लीज बोले। क्लाइमेट इज एन एवरेज वेदर पैटर्न्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया स्टडीड इन अ पीरियड ऑफ एट लीस्ट 30 इयर्स स्टडीड इन अ पीरियड ऑफ एट लीस्ट 30 इयर्स। ठीक है, 30 साल तक अगर आप किसी जगह के मौसम को वेदर को स्टडी करते रहे, उसके बाद एक एवरेज पैटर्न निकाल लें, तो इसको क्या कहते हैं, क्लाइमेट। अब वेदर अलग चीज है, क्लाइमेट अलग चीज है, और क्लाइमेट चेंज अलग चीज है। क्लाइमेट चेंज क्या चीज है, अब क्लाइमेट चेंज की डेफिनेशन लिख लें।
देखिए बच्चों, एक अगर किसी जगह के वेदर पैटर्न्स में उसकी फ्रीक्वेंसी में, उसके मैग्नीट्यूड में, उसकी इंटेंसिटी में लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आना शुरू हो जाए, लॉन्ग टर्म चेंज आना शुरू हो जाए, तो उस चेंज को हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट चेंज। देख ले, अ लॉन्ग टर्म चेंज इन इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड, अ लॉन्ग टर्म चेंज इन इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड ऑफ वेदर पैटर्न्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, वेदर पैटर्न ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड क्लाइमेट चेंज। अ लॉन्ग टर्म चेंज इन intensity, frequency or magnitude of the weather patterns of a particular area is called climate change. Is it okay, clear? बच्चों ये है climate change. यानी जैसे मैं कहूँ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका या अफ्रीकन कंट्रीज की तरह, अफ्रीका के अंदर ड्रॉट्स आते हैं, यानी लंबे लंबे से बारिश नहीं होती। अब पिछले 50 या 100 साल में स्टडी करो तो मुझे पता चले कि जो ड्रॉट्स हैं उनकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी या मैग्नीट्यूड में बड़ी चेंज आई है। तो मैं क्या कहूंगा, वहां वेदर चेंज हो रहा है? नहीं, मैं कहूंगा क्लाइमेट चेंज। सही है? दोबारा सुन ले बच्चों, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या बोला था मैंने, अफ्रीका की मिसाल हूँ, अफ्रीका में मैं ये कह रहा हूँ कि ड्रॉट्स आते, ड्रॉट्स, DROGHTS, ड्रॉट्स कहते हैं जो लंबे से बारिश के ड्राई वेदर कंडीशन को कहते हैं ड्रॉट्स। अब ड्रॉट्स जो है बच्चों, याद रखिए ड्रॉट्स की इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, मैग्नीट्यूड बढ़ती जा रही है। पिछले 50 साल का डाटा इकट्ठा कर लें, आप अमेरिका को, यूएसए का साइक्लोन्स का डाटा इकट्ठा कर लें, अरे बच्चों आप देखें जो इवन पाकिस्तान का डेटा इकट्ठा कर ले 20-25 साल का, यू विल सी अ बिग चेंज इन वेदर पैटर्न्स। जून में बैठे हो मैं, ठीक है ना, 2 जून का मौसम है और पंखे के नीचे रात को सर्दी लग रही है। ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था, जून में कम नहीं होना चाहिए था। हमेशा जो क्लाइमेट चेंज है ना, वो अनप्रिडिक्टेबल होती है। Global warming is a predictable phenomenon that temperature of earth will increase, but climate change is unpredictable phenomenon. It will increase, it will decrease, we don't know what will happen in future. Yes, ठीक है ना, that's it. समझ आ गई बात? Yes. अच्छा, अब we are now facing the threats of climate change and we are now facing the threats of global warming. आप ये कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट्स तकरीबन एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। तो अभी हम ना ये लेक्चर बिल्कुल खत्म होने वाला, अभी नया लेक्चर बच्चों को शेयर करेंगे, फिर मैं आपको इंपैक्ट्स पढ़ाऊंगा कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के मेन इंपैक्ट्स क्या, ठीक है, जो हम फेस कर रहे हैं आज। ठीक है जी, तो 2 मिनट इसको पढ़ लें फिर आगे चल दें, लिंक नया शेयर कर दूंगा। फिर मतलब 50 ईयर से अगर आप ड्रॉट पैटर्न देखें तो उसमें एक वाजिया वो आती है।